हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको बहुत बेस्ट तरीका बताने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए। बहुत ही अच्छा मेथड है, किसी भी नंबर का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए, इसका गजब फार्मूला इसका है फार्मूला 2a पहला नंबर, ए स्क्वायर माइनस वन, तीसरा होगा ए स्क्वायर प्लस वन। ठीक, अब इसे किसी नंबर निकालना हो, जैसे आपको कोई नंबर दिया जाए, नंबर मान लीजिए ए इक्वल टू टू दे दिया जाए, इसका आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है तो बहुत अच्छा तरीका है। ए को समय रख दीजिए, देखिए टू ए लिखा हुआ ना, तो टू इंटू टू कितना हो गया फोर, फिर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे हम लोग टू का स्क्वायर माइनस वन, टू का स्क्वायर फोर, फोर में से वन गया थ्री, फिर ए स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है, यानी कि ए स्क्वायर मतलब हुआ टू स्क्वायर प्लस वन, टू का स्क्वायर हुआ फोर, फोर वन फाइव। ठीक ना, तो देखिए पाइथागोरियन थ्योरम है वो बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है वो दो जो स्मॉल साइड होती हैं उनके सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर जैसे सबसे बड़ी साइड कितना फाइव, तो फाइव का स्क्वायर कितना हो गया देखिए 25। ठीक, तो इसका मतलब हुआ दो जो स्मॉल साइड हैं फोर और थ्री इनका स्क्वायर कर दिया जाए और सम कर दिया जाए तो 25 के इक्वल आना चाहिए। देखते हैं, देखिए यहाँ पर फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर कितना हो गया, फोर का स्क्वायर हुआ 16, नाइन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर हुआ नाइन, कितना आ गया जाके देखिए यहाँ पर आ गया 25। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकलाएं थ्री फोर फाइव या फोर थ्री फाइव, तो पाइथागोरियन जो थ्योरम है, थ्योरम क्या है, जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है, यानी लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे फाइव है, फाइव का जो स्क्वायर होगा वो दो जो स्मॉल साइड हैं इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो देखिए दो साइडें हैं फोर और थ्री, फोर का स्क्वायर हुआ 16, थ्री का स्क्वायर नाइन, 16 एंड 25, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है फाइव, फाइव का स्क्वायर 25 और ये देखिए 25 आ गया है। तो ये पाइथागोरियन निकालने का बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर देखिए यहाँ पे साइड दिया जाए ए इक्वल टू मान लीजिए थ्री दे दिया जाए, ए इक्वल टू थ्री, तो फार्मूला तो पता है हमको कितना होता है 2a, फिर ए स्क्वायर माइनस वन, फिर ए स्क्वायर प्लस वन, तो ए को वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम लोग थ्री, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू थ्री मिल जाएगा आपको 6, ए स्क्वायर मतलब हुआ 3 का स्क्वायर माइनस वन, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 में से 1 माइनस कर देंगे आ जाएगा 8, फिर ए स्क्वायर प्लस वन यानी 3 का स्क्वायर प्लस वन, 3 का स्क्वायर 9 प्लस वन कितना आ गया आपको देखिए 10 आ गया करके। प्रूफ करना है पाइथागोरियन थ्योरम कि है कि नहीं, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड आ गई 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा आपको 100 मिलेगा। ठीक, अच्छा दो साइडें कौन सी स्मॉल हैं, एक 6 है और 8, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर 100 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 कितना आ गया 100। प्रूफ हो गया ना, जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर हो गया वो 100 हो गया, जो स्मॉल साइड है उनका स्क्वायर का सम 100 आ गया। तो यानी कह सकते हैं देखिए 6 8 10 ये पाइथागोरियंस ट्रिपलेट है। ठीक बेटा, समझ में आ गया। एक एग्जांपल और आप बताते हैं, अगर देखिए यहाँ पर साइड हमने मान लिया ए इक्वल टू, देखिए हमने 6 मान लिया, ठीक, तो फार्मूला आपका मालूम है, क्या निकालेंगे 2a की वैल्यू,
टू इंटू सिक्स कितना आ गया 12। ठीक, उसके बाद ए स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, ए स्क्वायर माइनस वन, तो ए स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर माइनस वन, 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36 माइनस वन इक्वल टू 35। फिर ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर 6 स्क्वायर प्लस वन आ गया आपका 36 प्लस वन कितना आ गया आपका 37। तो यहाँ पर देखिए ये 12, 35 और 37, ये क्या पाइथागोरन ट्रिपलेट है, क्योंकि 37 स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 12 का स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इसे कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो रहा है, अगर यहाँ पर अगर कोई इवन नंबर ऑड नंबर दे दिए जाएं, एक इवन नंबर हो और ऑड नंबर, लेकिन को प्राइम नंबर हो, कंडीशन क्या है, को प्राइम नंबर दिए जाएंगे, कंडीशन है को प्राइम नंबर, और एक नंबर होना चाहिए इवन नंबर और ए दे दिया जाए ऑड नंबर, तब कैसे निकालेंगे। तो इसका फार्मूला आपका है, देखिए बेटा 2ab, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b। जैसे आपका एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल क्या है, देखिए अगर यहाँ पर एक वैल्यू मान लेते हैं 8 और बी को वैल्यू मान लेते हैं 5। देखिए 8 ऑफ 5 को प्राइम नंबर है, 8 यहाँ पर इवन नंबर है और 5 यहाँ पर ऑड नंबर है। अगर इसकी वैल्यू पुट अप कर दें 2ab, ए मीन्स 8, बी मतलब 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर अगला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस वैल्यू रख देंगे तो हमारे निकल आएंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। कंडीशन क्या है, नंबर को प्राइम होने चाहिए, उसमें से एक इवन नंबर हो और एक ऑड नंबर हो। कैलकुलेशन देखते हैं इसका, देखिए यहाँ पे 2ab, टू ए का मतलब हुआ यहाँ पर 8, बी का मतलब हुआ 5, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। फिर फार्मूला इसका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ जाकर के 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर हो गया जाके 64 माइनस 25, इसका आ जाएगा आपका 39। अगला निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब हुआ 8 का स्क्वायर, बी का मतलब हो जाके 5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हुआ 64 प्लस 25, इन दोनों का सम हो गया, देखिए बेटा आएगा 89। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट हुआ आपका 80, 39 और 89, यानी 89 जब स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू 39 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट हो गए आपके 80, 39, 89, ठीक, बहुत बेस्ट तरीका है, सलूशन आपको जल्दी का ढूंढने नहीं मिलेगा। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम आप अच्छे से अच्छे वीडियो दे सके ट्रिकी मैथ के साथ।
कभी कभी मैं केमिस्ट्री भी बनाता हूँ, जब अच्छे नोट्स मिल जाते हैं तो मैथ केमिस्ट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।